सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड की नई किस्त रुपया 1000 की जारी कर दी गई है। आपके खाते में रुपया 1000 की किस्त आई है या नहीं, यह आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। अभी तक किया पैसा आया है या नहीं, इसे अब मजदूर श्रमिक घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए चेक कर सकता है। ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यह है कि इसमें ऐसा रंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले गरीब लोगों को उसके जीवन में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कुछ सहयोग राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, उसे उनको कुछ सहयोग मिल सके। इसका लाभ सरकार की ओर से किसी भी वक्त दिया जा सकता है, यानी इस योजना का लाभ समय समय पर श्रमिकों को दिया जाता है। फिलहाल के समय में जो सरकार की ओर से किस्त जारी की गई है, उसे किस्त का पैसा अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। ई श्रम कार्ड की किस्त चेक करने का प्रोसेस, सरकार की ओर से जो पेमेंट आपके खाते में डाला गया है वह आपके खाते में अभी तक आया है या नहीं आया है, इसका स्टेटस आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए चेक कर सकते हैं, जिसको लेकर हम कुछ सिंपल स्टेप्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनको अगर आप ध्यान पूर्वक रूप से फॉलो करते हैं तो आपको पेमेंट चेक करने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले मजदूर श्रमिकों को ई श्रम कार्ड पर मेन स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जैसे ही आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, आपके सामने सच का बटन आगे की ओर क्लिक करने को बोलेगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, जिला, अमाउंट, कितने रुपए डाले गए हैं, वह जानकारी दिखाई जाएगी।